हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग समझेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होता क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन रहती है कि यार जीडीपी होता क्या। एक्चुअली जीडीपी के बारे में पता होता है कि टैक्स होता है जो कटता है जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं। लेकिन वो तो चीज़ ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो पूरे देश की जो जीडीपी देखी जाती है कि इस देश की इतनी जीडीपी है, इसकी इतनी ज़्यादा है, तो वो चीज़ क्या है। यानी कि टोटल जीडीपी किसी कंट्री के हम कैसे काउंट करते हैं, वो होती क्या है, तो वो सारा चीज़ें हम देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जीडीपी की आप लोगों को सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ जीडीपी क्या होता क्या है लिख के। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्री इन अ वन ईयर। यानी कि एक साल में किसी कंट्री के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, उसका उसके टोटल किया जाता है प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यानी गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है प्लस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना, उस सभी का नेट किया जाता है और नेट करके जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला, ये जो है फुल फॉर्म होती है जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो इसको। तो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी, तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ लिखा है, इससे जो आप किसी भी कंट्री की जीडीपी की जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो होता क्या है एक्चुअली, टोटल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि किसी कंट्री में उसके अंदर जो है जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको कितने कंज्यूमर के द्वारा उसी कंट्री के अंदर खरीदा जाता है, उसका प्लस प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, प्लस द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने अपनी कंट्री से प्रोडक्ट बना के अदर कंट्री में कितना बेचा है उसका टोटल, माइनस द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट यानी कि और कंट्री से हमने कितना खरीदा है उससे एक्सपोर्ट की वैल्यू को माइनस करके जो निकल के आता है उसको इन तीनों की वैल्यू के साथ प्लस करके जितनी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, जैसे मान लो 100 आ गई हमारे पास, तो वो जो है उस कंट्री का एक ईयर का जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कहलाया जाएगी, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। और ये बताती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति क्या है उसकी, यानी कि वो इकोनॉमिकली कितनी डेवलप है कितनी नहीं। इसको ही इसी वैल्यू को ही हम अदर कंट्री के साथ जो है कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि इस कंट्री की जो है इकोनॉमी इतनी बेटर है, इसकी इतनी बेटर है, ये इतने नंबर पर आती है इकोनॉमी वाइज और ये जो है इतने नंबर पर आती है। तो इसी बेसिस पर जो है हम लोग जो है कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जस्ट फॉर आप लोगों की समझ के लिए मैं अगला आप लोगों को बताऊं, तो मान लो एक कंज्यूमर जो है जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं मतलब किसी कंट्री में, वो जो है 100 रुपीज़ जो है बन रहे हैं, मतलब एक कंट्री एक एक ईयर का किसी कंट्री में। ठीक है ना, प्लस गवर्नमेंट ने 50 रुपये स्पेंड किए। ठीक है ना, प्लस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है 100 है और माइनस इंपोर्ट जो हमने लिया है और कंट्री से वो जो है माइनस 50 है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे प्लस 150
100 माइनस 50 तो इज इक्वल टू 200। तो ये जो 200 आ गया ये हमारे एक ईयर का जो है जीडीपी वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं और ये जो है जीडीपी कहलाई जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो।